तथा 3 जुलाई की मध्य रात्रि में बिकरू गांव में दबिश के दौरान पुलिस पार्टी पर अभियुक्त विकास दुबे और उनके साथियों द्वारा हमला कर असलाहों से फायर कर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर सरकारी असलाह भी लूट लिया गया था। इस संबंध में थाना चौबेपुर पे अपराध 192/20 धारा 147 148 149 302 307 120B 415 IPC व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं लूटे गए असलाहों के बरामदगी हेतु SSP कानपुर नगर द्वारा SP पश्चिमी SP आर्य के नेतृत्व में कई टीमें गठित की गई थी। आज 14/7/2020 को SOG टीम शिवराजपुर पुलिस व रेल बाजार पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पे वांछित अभियुक्त एवं 50,000 का इनामिया अभियुक्त शशिकांत उर्फ सोनू पुत्र प्रेम कुमार उर्फ राजाराम निवासी बिकरू थाना चौबेपुर को रात्रि 2:50 बजे मेला तिराहा कस्बा चौबेपुर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ से उसने घटना में अपनी संलिप्तता के साथ विकास दुबे, अमर दुबे, अतुल दुबे, प्रेम कुमार, प्रभात मिश्रा, बउवन, हीरू, शिवम, जिलेदार, राम सिंह, रमेश चंद्र, गोपाल सैनी, अखिलेश मिश्रा, विपुल, श्यामू वाजपेयी, राजेंद्र मिश्र, बाल गोविंद दुबे, दयाशंकर अग्निहोत्री आदि लोगों का घटना में सम्मिलित होना बताया गया। यह भी बताया गया कि लूटा गया असलाह अपने व विकास दुबे के मकान में विकास दुबे के कहने पर छिपा दिया गया है। इसी की निशादेही पर विकास दुबे के घर से AK-47 राइफल जो लूटी गई थी, मैं 17 कारतूस व शशिकांत के घर से इंसास राइफल और उसके 20 अदद कारतूस बरामद किया गया है, जिस संबंध में अब अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। बरामदगी 1 अदद AK-47 राइफल व 17 जिंदा कारतूस सरकारी, दूसरा 1 अदद इंसास राइफल, मैं 20 अदद जिंदा कारतूस सरकारी। इस प्रकार इस केस में कुल 21 अभियुक्त नामित थे, जिसमें से इनको मिला के 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम श्यामू वाजपेयी, जहान यादव, दयाशंकर अग्निहोत्री व शशिकांत। इसमें अब तक 6 अभियुक्त विभिन्न तिथियों में पुलिस कार्रवाई में मारे गए हैं, जिनका नाम है विकास दुबे, राजाराम, अतुल दुबे, अमर दुबे, प्रभात मिश्रा व प्रवीण दुबे। 120B में 7 अभियुक्त जेल गए हैं, 216 में 2 अभियुक्त जेल गए हैं। अब नामित वांछित अभियुक्तों की संख्या शेष 11 रह गई है। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति जो कि महाराष्ट्र में पकड़े गए हैं, उनका नाम है गुड्डन त्रिवेदी एवं सोनू, उनको रिमांड पर लेके यहाँ की पुलिस आ रही है। इस संबंध में आगे की कार्रवाई जो भी है नियमानुसार की जाएगी। पुलिस का असलाह बरामद नहीं हो पाया, कई लोग पुलिस की
पकड़ो 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 सरकारी तो ना पुलिस सरकारी इधर देख ले सर इधर देख ले सर सर देख ले सवाल नहीं नहीं जैसे सारे आंकड़े सही हैं तो एक उसी नाम की महिला गई थी जेल अब उसको 169 छुड़ाने भी जा